नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों मैं विनोद शर्मा, और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उठते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा, ये पक्की गारंटी है दोस्तों। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखो। अगर वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको अच्छी लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर दें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सौरमंडल में फ़िलहाल 8 ग्रह हैं, यानी अब जो है 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? पहले 9 ग्रह थे, और हटाया कौन सा था? यानी प्लूटो, प्लूटो यानी यम, इसे हटा दिया गया दोस्तों। अब कितने ग्रह हैं? फिलहाल 8 ग्रह हैं दोस्तों। तो अब पूछा जाता है कि अब कितने ग्रह हैं? तो 8। सौरमंडल में अब बात आती है दूसरा नंबर, सौरमंडल में कौन कौन शामिल हैं? तो सौरमंडल में कौन कौन शामिल हैं और किस डोर से बंधे हुए हैं दोस्तों? तो सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो एक दूसरे से किस प्रकार बंधे हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी वे एक दूसरे की ओर खिंचे हुए हैं दोस्तों। तो सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं दोस्तों। देखो 3 नंबर, सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह धूमकेतु आदि आते हैं दोस्तों। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि सौर परिवार में कौन कौन आते हैं, सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। अब देखो 4 नंबर, सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है, जो किसके केंद्र में? सौर परिवार के केंद्र में स्थित एक तारा है, जो सौर परिवार के लिए प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऊर्जा भी प्रदान करता है और प्रकाश भी। कौन? सूर्य सौर परिवार का है दोस्तों ये। अब देखो पृथ्वी से इसकी दूरी, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? कितनी? 149 लाख किलोमीटर है दोस्तों। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड से 18 सेकंड का समय लेता है दोस्तों। तो ये पूछा जाए आपसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 से 18 सेकंड तक दोस्तों। आगे देखो 6 नंबर, सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। जो सूर्य से दिखाई देती है उस सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान, अगर ये पूछा जाए आपसे सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 7 नंबर, इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। किसकी? सूर्य की। इसकी आकर्षण शक्ति कितने गुना है? 28 गुना ज़्यादा। परिमंडल, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी परत है परिमंडल, जो है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, और कौन सी परत है? ऊपरी। और इसे क्या बोलते हैं? सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं दोस्तों इसे। चलो अब सन के बारे में कुछ और जानकारी, यानी सूर्य के बारे में कुछ और जानकारी डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। बस आपसे गुजारिश है वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। सूर्य क्या है दोस्तों? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है? एक तारा। और अगर ये पूछा जाए कि सूर्य की उम्र कितनी है, तो लगभग 5 बिलियन वर्ष है दोस्तों। और ये पूछा जाए कि सूर्य किन किन रसायनों का मिश्रण है, तो किन किन का है? देखो 71% सूर्य में हीलियम है, 26.5% क्या है, सॉरी देखो यहाँ 71% हाइड्रोजन है, हीलियम नहीं दोस्तों, वो गलती से भूल गया मैं। और 26.5% क्या है? वो हीलियम है। और अन्य रासायनिक पदार्थ कितना है? 2.5%। और देखो सूर्य सहित सभी तारों में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को सलेन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य सहित सभी तारे जो भी हैं उनमें क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, और इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? रासायन सलेन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। 5 नंबर पर देखो, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कम,
14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7। और ये कब होती है? 3 जनवरी को। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कब होती है? ये अधिकतम दूरी पहली बात तो कब होती है? 4 जुलाई को। और है कितनी? 15.21 करोड़ किलोमीटर। आगे देखो, सूर्य का व्यास कितना होता है लगभग? तो 13,92,000 किलोमीटर। आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड से। वैसे तो एग्जैक्ट यही है, 8 मिनट 16.6 सेकंड, लेकिन 8 मिनट 16 सेकंड से 18 सेकंड वाला ऑप्शन हो तो हम उसे भी टिक कर देंगे दोस्तों। आगे देखो, 9 नंबर, सूर्य में क्या है? सूर्य में हल्के हल्के जो धब्बे हैं ना, उनको क्या कहते हैं? सौर्य कलन कहते हैं। सौर्य कलन जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं दोस्तों, जिसे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है, यानी संचार में, पृथ्वी के संचार में क्या आ जाती है? खराबी। अब दोस्तों, सूर्य के बाद में अगला नंबर चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में देखो पूरी जानकारी है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चंद्रमा है क्या दोस्तों? यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी का कितना है? 1/4, यानी 1/4 है। इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लेबनीटिस है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 35,000 फुट, 35,000 फुट और 10,668 मीटर है दोस्तों। चंद्रमा का व्यास कितना होता है लगभग? लगभग व्यास है 3,476, तथा त्रिज्या कितनी है? 1738 किलोमीटर। आगे देखो, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को क्या बोलते हैं? साइनोडिक, साइनोडिक मास या चंद्रमास बोलते हैं दोस्तों। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह, यानी चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेनेलो लाजी, सेलेनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, आपसे अगर ये पूछा जाए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना समय लेता है, तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड का समय लेता है। और इतने ही समय में वो क्या करता है? अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? एक भाग, एक ही भाग दिखाई देता है दोस्तों। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? अब अगर आपसे ये पूछा जाए तो 38,465 किलोमीटर है दोस्तों ये। 9 नंबर पर देखो, चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए चंद्रमा और पृथ्वी महीने में कितनी बार समकोण बनाते हैं? तो 2 बार। अब 10 नंबर, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा का होता है, जबकि सूर्य, और क्या होता है इस दिन? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब देखो 11 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क करके भी इसे याद करिए। चंद्रमा पर पहला यान कौन सा गया था? अंतरिक्ष यान अपोलो सेकेंड। और कब? 1969, यानी 1969 में। और कौन कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। देखो आगे, एक स्थान है, देखो वो कौन सा है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। और एक ये प्रश्न भी देखो, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। कितना? लगभग 460 करोड़ वर्ष। चलो ये तो हुई सूर्य और चंद्रमा के बारे में जानकारी। अब ग्रहों के बारे में थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ग्रह कहते किसे हैं। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है दोस्तों, जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। और इम्पोर्टेंट लाइन अगली, सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम। सभी ग्रह कैसे में किस
से किस तरफ करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। जबकि सूर्य और अरुण कैसे करते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। अब दोस्तों ये और भी इम्पोर्टेंट लाइन है, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम क्या है? सबसे पहले, सबसे छोटा भी बोलते हो आप इसे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है जो 88 दिन में परिक्रमा कर देता है दोस्तों सूर्य की। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन? बुध। उसके बाद में कौन सा ग्रह? शुक्र। और सूर्य से अगर पृथ्वी का स्थान देखा जाए ना दोस्तों, तो वो तीसरा स्थान है। चौथा स्थान किसका है? मंगल का। पांचवा बृहस्पति का। और छठा स्थान सूर्य से शनि का। सातवां स्थान सूर्य से अरुण का। और आठवां स्थान किसका है? वरुण का। ये तो हुई सूर्य के अनुसार। अब आकार के अनुसार देखते हैं ग्रहों का आकार घटते क्रम में क्या है। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उससे थोड़ा छोटा शनि। और उससे थोड़ा छोटा अरुण। यानी अरुण तीसरे नंबर का है, बृहस्पति पहले नंबर का है, शनि दूसरे नंबर का है। और वरुण की बात की जाए तो वरुण का कौन सा स्थान है? चौथा। वरुण के बाद में पांचवा नंबर किसका है? पृथ्वी। और पृथ्वी, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट करके याद करिए कि आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो वो पांचवा स्थान है। छठा स्थान कौन सा है? शुक्र। क्योंकि पृथ्वी की बहन है ना, भोर का तारा, सांझ का तारा, सब इसे ही कहते हैं ना। पृथ्वी के बाद में स्थान है शुक्र का। और शुक्र के बाद में किसका स्थान है? मंगल का। और मंगल के बाद में सबसे अंतिम स्थान किसका है? बुध का। अब देखो मरकरी के बारे में पूरी जानकारी देंगे हम यहाँ आपको। बुध यानी मरकरी, देखो इसके बारे में, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है दोस्तों। आप इसे ऐसे याद रख लीजिए। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल कितने दिन में करता है? 88 दिन में। मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ ये बात। और सबसे कम समय में करता है यह, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल भी नहीं है दोस्तों। अगर ये पूछा जाए कि बुध पर वायुमंडल है, तो इस ग्रह पर वायुमंडल भी नहीं है, जिससे इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है दोस्तों। यहाँ जीवन संभव नहीं है। और इसका पृथ्वी से आकार में कितना छोटा है? 18 गुना छोटा है बुध पृथ्वी से आकार में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो 3/8 है बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो। बुध का तापांतर सर्वाधिक कितने डिग्री सेल्सियस है? 560 डिग्री सेल्सियस। बुध का तापांतर कितना? सर्वाधिक 560 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। और इसका घूर्णन काल पूछा जाए आपसे कि बुध का घूर्णन काल कितना है, तो वो 58.6 दिन है दोस्तों घूर्णन काल। एक इसका मात्र कृत्रिम उपग्रह है। वैसे तो इसका कोई उपग्रह है नहीं, प्राकृतिक एक कृत्रिम उपग्रह है। वो क्या है? मेरिनट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों। अब देखो दूसरा नंबर विनस यानी शुक्र, इसके बारे में आप पूरी जानकारी देखिए। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। आपसे ये पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और सबसे गर्म पूछा जाए तो भी शुक्र। और इसका तापमान लगभग कितना रहता है दोस्तों? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 225 दिन। कितना समय? 225 दिन। देखो अगला इम्पोर्टेंट है ये। अगला नंबर, सूर्य अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में यानी पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है, और किसके समान है? अरुण के समान। क्योंकि शुक्र और अरुण ही तो ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, बाकी सब तो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं ना। इसलिए क्या होता है? सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। यहाँ पर कहाँ पर? शुक्र पर, शुक्र ग्रह पर। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है? 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है दोस्तों। और ये हेतंब तथा
3.5% क्या है दोस्तों? ये मात्रा तम तथा 3.5% नाइट्रोजन है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ये तो है 95%, और 3.5% क्या है, नाइट्रोजन। और देखो अगला, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, यानी सबसे नज़दीक कौन है पृथ्वी के शुक्र, और इस ग्रह को क्या कहते हैं? इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। शुक्र को पृथ्वी की भागनी कहते हैं, भागनी ग्रह कहते हैं, या पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, तो इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। शुक्र और अरुण ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध और शुक्र हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह क्या है, अंतर्ग्रह की श्रेणी में भी आता है, अंतर्ग्रह की श्रेणी में भी आता है। तो बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि शुक्र ग्रह किस दूसरे ग्रह के समान है, तो वो कौन सा है, अरुण के समान है दोस्तों। अब देखो तीसरा नंबर पृथ्वी, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है, देखो यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, अदरवाइज किसी और ग्रह पर कोई भी जीवन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए दोस्तों। सूर्य से दूरी पर यह कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। अगर आकार के स्थान पर पूछा जाए, आकार के हिसाब से तो पांचवें पर, ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में है पांचवा स्थान है। अभी मैंने बताया था आपको, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, जल की उपस्थिति के कारण, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बार प्रश्न आया है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है, जल, और तथा जो 29% भाग है वो कैसा है, स्थलीय है, यानी कि 71% पर जल और 29% भाग पर स्थल है। और यह पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.2°, और जिसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, 23.2 अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण। और यह क्या करती है, पश्चिम से पूर्व, यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और क्या 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगा देती है, किसका, सूर्य का, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगा देती है ये। अगला नंबर देखो, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घावृत्त पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, और लगभग 365 दिन 6 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर पूरा करती है दीर्घावृत्त पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर। आगे देखो, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी अगर पूछी जाए तो वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी कितनी हो जाती है, लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसे क्या बोलते हैं, इस अवस्था को उपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी में देखो खुद उपसौर छुपा हुआ है, तो 3 जनवरी उपसौर। आगे देखो, 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है ये, सूर्य से अधिक दूरी पर लगभग कितनी दूरी है ये, 15.2 करोड़ किलोमीटर। और इस अवस्था को क्या बोला गया है, इस अवस्था को अपसौर कहा गया है। तो सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, कब, 4 जुलाई को, और इस अवस्था को क्या बोला गया है, अपसौर।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 से 18 सेकंड में पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। 1 पॉइंट यानी कि 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंच जाता है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद कौन सा है? प्रक्सिमा सेंचुरी। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह आपसे पूछा जाए तो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अब मंगल के बारे में देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। मंगल को क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल का है लाल रंग किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण। और मंगल अपने अक्ष पर, मंगल जो ग्रह है अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वह मौसम वहाँ जो है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। झुकाव और लगभग दिन का मान लगभग किसके समान है? पृथ्वी के समान। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर। मंगल ग्रह 787 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिन में? 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, 687 दिन में। और देखो इस ग्रह के वायुमंडल में क्या क्या है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन गैस है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। डीमोस, फोबोस और डीमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से ग्रह पर? देखो मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कितना गुनी है? 3 गुनी। अब देखो बृहस्पति यानी जुपिटर, इसके बारे में पूरी जानकारी। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है, यह हम पहले भी ऊपर भी जान चुके हैं। तथा सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? पांचवा। सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो पांचवा स्थान है इसका। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है दोस्तों, 1300 अधिक गुना। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है अपनी धुरी पर। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट और लगभग 10 घंटे के करीब में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा देता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने और लगभग कितने 12 वर्ष के करीब लग जाते हैं। बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष यानी 11 वर्ष 9 महीने एग्जैक्ट है और 12 वर्ष लगभग। और क्या होगा? इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के 16 नहीं 67 उपग्रह हैं, ये यहाँ गलत है। तो बृहस्पति के लगभग कितने उपग्रह हैं? 67 उपग्रह, जिसमें गिनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका रंग कैसा है? यह पीले रंग का है दोस्तों। अब देखो शनि के बारे में, स्टर्न यानी शनि के बारे में पूरी जानकारी। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा, बृहस्पति के बाद में दूसरा स्थान है इसका। इसके चारों ओर एक छल्ला यानी वलय पाया जाता है, जो इसकी प्रमुख पहचान है, जिसके कारण इसकी पहचान होती है। और यह कैसे रंग का ग्रह है? यह पीले रंग का ग्रह है। तो कैसे रंग का ग्रह? पीले का। और टाइटन ऐसा उपग्रह है इसका, जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। वायुमंडल भी और गुरुत्वाकर्षण दोनों, टाइटन ऐसा उपग्रह है इसका। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 29 वर्षों में कर देता है, 29 वर्षों में। और इसका घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व अगर पूछा जाए सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है।
इस ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल दानव। कौन सा ग्रह? शनि। शनि के सबसे अधिक कितने उपग्रह हैं? अब जो सबसे अधिक नहीं, शनि के 63 उपग्रह हैं, ये यहाँ गलत है। तो कितने उपग्रह हैं शनि के? 63 उपग्रह। और दूसरा नंबर है इसका उपग्रहों में, क्योंकि 67 उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के, और बृहस्पति के बाद में शनि है। शनि के कितने उपग्रह हैं अब? 63, 63। इसलिए इसे गैलेजी लाइक प्लेटिनम भी कहा जाता है। शनि ग्रह को गैलेजी लाइक प्लेटिनम भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है, टाइटन का। अब देखो 7वां नंबर अरुण यानी यूरेनस, इसके बारे में पूरी जानकारी। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है तथा सूर्य से दूरी में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है इसका। अरुण ग्रह की जो खोज हुई है वो सर विलियम हर्सल ने की थी। कब? 13 मार्च 1781 में। कब की थी? 13 मार्च 1781 में। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कहाँ? शुक्र की तरह घूमता है, बिल्कुल पूरब से पश्चिम की ओर। यह सूर्य की परिक्रमा कब, कितने समय में करता है? 84 वर्षों में करता है। कितने समय में? 84 वर्षों में। तथा इसका घूर्णन काल कितना है? 10 घंटे से 25 घंटे। कितना? 10 घंटे से 25 घंटे। अरुण ग्रह में शनि की तरह ग्रह और वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एपीसलॉन हैं। और इसके उपग्रह कितने हैं? दोस्तों इसके उपग्रहों की संख्या अब 21 नहीं, 21 से बढ़कर 27 हो गई है। तो अब आपको कितने याद रखने हैं? इसके उपग्रह कितने? 27, जिसमें मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कार्डेलिया, ओफेलिया इत्यादि, ये हैं इसके उपग्रह। अब कितने हो गए? 27। और यह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? लगभग 82 डिग्री, यानी लेटा हुआ। इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। किसको? अरुण को। अरुण लेट गया, तो ऐसे याद रख लीजिए, अरुण लेट गया, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। और इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। इसके लिए दूरबीन की आवश्यकता होगी। और इसका हरा रंग, अरुण को बोलते हैं ना हरा ग्रह अरुण, तो हरा ग्रह अरुण किसके कारण है? मीथेन गैस की अधिकता के कारण। इसका रंग कैसा है? हरा है इसका रंग। आप दोस्तों बात आती है वरुण की यानी नेपच्यून, इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। इस ग्रह की खोज कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। किसने की? जान गाले ने की। जान गाले, उसकी किसने की थी? अरुण की, हर्षल ने। और यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान का ग्रह। दोस्तों यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 166 वर्षों में करता है। और यह पीले रंग का ग्रह है। अरुण कैसा था? हरे रंग का। और वरुण कैसा है? पीले रंग का, क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। और इसके कितने उपग्रह हैं? अब इसके 8 नहीं बल्कि 14 हैं, जिसमें ट्राइटन, ट्राइटन एवं नेरिड प्रमुख हैं। दोस्तों अब देखो क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह आखिर क्या हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे से अनगिनत सूक्ष्म पिंड, उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं उनको। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित हैं ये अनगिनत छोटे छोटे सूक्ष्म पिंड, तो क्या कहते हैं इनको? अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में लगाते हैं बीच में। अब देखो उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं ये वो धूल के कण और गैस के पिंड हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। दोस्तों उल्कापिंड यही है जिनमें स्वयं चमकने की प्रक्रिया होती है, वो स्वयं ही चमकने लगते हैं। किसके कारण? पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के निकट से गुजरने पर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।